नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दी साइट सी एस आई के एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। तो वो वीडियो टेलीग्राम के वीडियो कॉल फीचर के बारे में था, और आपने उसमें बहुत सारे डाउट्स पूछे और हमने सब कुछ क्लियर करने का कोशिश तो ज़रूर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी भी नहीं देखा तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में डालते हैं। तो आज के वीडियो में टॉपिक ये है कि हम अपने पुराने स्मार्टफोन को कैसे नया जैसा परफॉर्मेंस और तेज़ी ला सकते हैं। तो आप फेसबुक या कहीं ऐप्स में बहुत सारे ऐसे एड्स देखते होंगे कि आप अपने फ़ोन को इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो फास्टर कर देगा, और उसी लाइन में बहुत सारे एड्स देखेंगे। वो सब एक्चुअली फेक है, वो कोई भी काम करने नहीं वाला। तो मैं जो आज शेयर करने वाला हूँ, जो आपको कोई ऐप भी इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा और रूट भी करना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए आपको पहले डेवलपर ऑप्शन अनलॉक करना पड़ेगा। डेवलपर ऑप्शन यूजुअली जो है फ़ोन रूट करने पर और डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है डेवलपर ऑप्शन, एक एंड्रॉयड फ़ोन के मायने में या फिर एक एंड्रॉयड फ़ोन के दृष्टिकोण में। पहले आप सेटिंग्स में जाके अबाउट फ़ोन में जो बिल्ड वर्शन या यहाँ पे जो है जीयूआई वर्शन है, मेरे फ़ोन कुछ हटके से है, तो उस पर 7 बार टाइप करोगे तो एक मैसेज आएगा, यू आर नाउ ए डेवलपर। अब उसका मतलब ये है कि डेवलपर ऑप्शन आपको अवेलेबल है अभी। तो अभी आप सेटिंग्स में जाइए, वहाँ डेवलपर ऑप्शन नहीं दिखा तो एडवांस्ड सेटिंग्स के अंदर तो ज़रूर दिख जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको वो ऑन करना पड़ेगा। ऑन कीजिए और ओके प्रेस करने के बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अभी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एनिमेशन स्केल का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ 3 या 4 ऐसे एनिमेशन स्केल के वैल्यूज़ दिए जाएंगे, उसके अंदर 1 या 1.5, 1.5 पर होगा वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर। उसे आपको ऑफ या 0 पे जो भी है उसका मिनिमम वैल्यू वहाँ पे डालना पड़ेगा, और ओके प्रेस कीजिए तो आपका फ़ोन उस समय ही थोड़ा फास्ट आपको फील करेगा, क्योंकि आपने सारे एनिमेशन सब कुछ जो है वो ऑफ़ कर दिया है। तो ज़रूर उस पर ही आपको एक डिफरेंस फील करेगा। अभी आप उस एनिमेशन स्केल के थोड़ा और स्क्रॉल की करेंगे तो आपको फोर्स जीपीयू रेंडरिंग ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा। अब उसको भी ऑन कर दीजिए। ये क्या करता है कि जो नॉर्मल टास्क है जो हम सीपीयू से करते हैं, उसे अब जीपीयू के सहायता से और ज़्यादा तेज़ी से आप कर पाओगे। जीपीयू है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम गेम्स और ऐसे हेवी टास्क करते समय ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि जीपीयू हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका बैटरी लाइफ थोड़ा 10 से 20% तक गिर सकता है। मगर अगर आपका फ़ोन थोड़ा ओल्ड है तो चांसेस है कि आप उसको सेकेंडरी फ़ोन करके यूज़ कर रहे होंगे, या फिर उसका बैटरी बैकअप भी उतना अच्छा नहीं होगा, तो आप ज़रूर पावर बैंक भी उसके साथ लेकर घूम रहे होंगे। तो आपको अगर बैटरी बैकअप उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर ये जीपीयू रेंडरिंग ऑन कर सकते हैं। वो आपका परफॉर्मेंस जो है फ़ोन का वो बहुत ही अच्छा और बढ़िया कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल में नए हो तो वो सब्सक्राइब बटन और बेल बटन भी दबा दीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।